नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रूरल डॉट इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त अजय मस्तान। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये नज़ारा बक्सर ज़िले के नावानगर प्रखंड आथर ग्राम का है, जहां पर क्रूरता का एक अजीबोगरीब नज़ारा देखा गया, जिसमें एक कृषक के झोपड़ी और मवेशियों को जला दिया गया है, झुलसा दिया गया है। हम अपने कैमरा मैन से चाहेंगे कि आप कृपया नज़दीक आकर के इन मवेशियों को दिखाएं। ये गाय है और ये भी झुलसी हुई है, और ये भैंस जो पूरी तरह झुलस चुकी है। ये कुछ ग्रामीण व्यक्तियों का जो मानना है कि ये द्वेष की भावना से किसी असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा ये जो घटना है इसको अंजाम दिया गया है। हम आइए उस व्यक्ति से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जिनका ये मवेशी, जिनका ये झोपड़ी है। आप बताएंगे ये कब की घटना है? हाँ, 1:30 बजे के। 1:30 बजे रात? हाँ, 1:30 बजे रात जी। तो क्या किसी प्रशासन के व्यक्ति और कोई शासन प्रशासन के पदाधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, मीडिया वाला आया है, मुखिया जी आया है जी। उन्होंने क्या कहा? कुल बोल के गया कि ठीक है, ठीक करेंगे। तो कुछ या मुआवजा देने का घोषणा किए हैं या फिर मवेशियों का ट्रीटमेंट, जैसे दवा हुआ? दवा कुल बोल रहा है कराने के लिए, दवा हुआ के लिए बोले हैं। ठीक है, आप कोई डिमांड चाहते हैं गवर्नमेंट से कि क्या कहना चाहते हैं, कि खोजबीन करवाना चाहते हैं कि कौन इसमें संलग्न है व्यक्ति, किसने ये काम किया? खोज भी की जब देखा रहे हैं तो केकरा कहा जाता है खोजबीन? सही बात है, सही बात है। केकरा के आए पर कहल जाए कि हाँ के ना है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि ये द्वेष के भावना किसी द्वारा ये आग लगाया ही गया था? ये लगावल लगाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, आपने ये भी नज़ारा देखा और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता हुआ एक आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने अभी कहा कि ये द्वेष की भावना से ही आग लगाया गया था। और ऐसे में आपने हम दिखाना चाहें एक बार पुनः कि ये भैंस देखिए, जो कि झोपड़ी में जो छाजन का काम करता है, प्लास्टिक प्लोथिन लगाया जाता है, जिसमें आग लगा और इस भैंस के ऊपर गिरा, जिससे ये भैंस पूरी तरह से झुलस चुकी है और उसका थोड़ा सा अंश इस गाय पे भी पड़ा हुआ है और एक बछड़ा भी साथ में है जी। देखिए, ये बछड़ा भी काफ़ी बुरी तरह से झुलस चुका है। कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा पास नज़दीक से दिखाएंगे। ये काफ़ी तरह से झुलसा हुआ बछड़ा, और आपने झोपड़ी को तो देखा ही, पूरी झुलस चुकी है झोपड़ी। और फिलहाल जैसा कि ग्रामीण बंधुओं ने बताया कि यहाँ पे शासन प्रशासन के लोग आए हुए थे, जिन्होंने आश्वासन दिया है और मवेशियों के लिए दवा का इंतज़ाम किया है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल रूरल डॉट इंडिया। धन्यवाद।